नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निष्ठा ध्वनि में और मैं हूँ आपके साथ आरती। आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ उनके बारे में शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन उनके बारे में जो भी लोग ज्योतिषाचार्य से जुड़े हुए हैं या ज्योतिष की फील्ड से जुड़े हुए हैं वो इन्हें जरूर जानते होंगे। हमारे बीच में है HS रावत जी। सर, सबसे पहले मैं चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप अरुणा जैन जी द्वारा और पंडित ब्रिजभूषण जी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कोई भी ज्योतिष सम्मेलन या कोई भी वर्कशॉप जो होती है वो कंटेंट के ऊपर आधारित होती है। आज का जो वर्कशॉप का कंटेंट था, जो ज्योतिष सम्मेलन का कंटेंट था, वो बहुत ही अच्छा था। व्यवस्था बहुत अच्छी थी, मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, तो यहाँ पर जो भी बातें हुई ज्ञान की वो काफी अच्छी थी। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि अरुणा जैन जी के द्वारा और पंडित ब्रजभूषण जी के द्वारा आज का जो प्रोग्राम किया गया वो काफी काबिल तारीफ है। वो ज्ञान की दृष्टि से, मैनेजमेंट की दृष्टि से, लोगों को सीखने की दृष्टि से, उनको बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिला। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपको एक अवार्ड भी मिला है, उसके बारे में दर्शकों को बताइए। मुझे अवार्ड तो वैसे मिलते रहते हैं, क्योंकि जैसा कर्म करता है व्यक्ति उसका कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन तो जीवन में जरूर मिलता है और मिलना भी चाहिए। आज मुझे 42वां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ये एक विश्व रिकॉर्ड है, यानी आज तक विश्व के अंदर शायद इतने कभी अवार्ड मिले नहीं है, क्योंकि मैंने सर्च करके देखा था यूट्यूब कि यूट्यूब पर किसी को कोई मिले हैं क्या इतने, तो कोई अवार्ड इस तरह के नहीं मिले। और इस मामले में मैं अपने आप को लकी समझता हूँ। जनता का प्यार मुझे जो मिलता है मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। और आप जैसे जितने भी मीडिया वाले हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोगों की बैठों के कारण मुझे पब्लिसिटी मिलती है। तो इसलिए आप भी बधाई की बहुत बड़ी पात्र हैं। 42वां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला ये ज्योतिष के क्षेत्र में है। इसमें मैंने देखा जाए तो 15 किताबें लिखी हैं, और जब से टीवी चैनल शुरू हुए टीवी के इतिहास में महर्षि पारसर ज्योतिष विद्यालय जो हमारी संस्था है, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, वो पहला इंस्टीट्यूट था जिसने ज्योतिष सिखाना शुरू किया। ज्योतिष के पहले प्रोग्राम आते थे राशिफल के आते थे। पहले एक प्रोग्राम आता था कहानी किस्मत की, बंबई से आता था, तो राशिफल के ऊपर आधारित था। लेकिन हमने सिखाना शुरू किया। मैंने ये तय कर लिया था कि मुझे घर घर के अंदर, जैसे बाबा रामदेव जी ने योग सिखाया वैसे मैंने ज्योतिष सिखाने की ठानी थी, उसमें सफल हुआ। और उसका परिणाम ये मिला कि आज घर घर के अंदर ज्योतिष के बारे में लोगों को जानकारी है। जैसा कि हम देखते हैं ज्योतिष में, मतलब जो आपके जीवन में होना है वो तो होगा ही, लेकिन उसके बारे में जान के हम उस समस्या को थोड़ा हल कर सकते हैं। तो कई लोग आज भी ज्योतिष पर, मतलब जब समस्याओं में घिर जाते हैं तब किसी एस्ट्रो को याद करते हैं, तब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे कि अब हम तो फंस गए। तो कहीं ना कहीं जैसे आप अपनी बॉडी का चेकअप करवाते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, तो क्या दर्शकों को रेगुलर एस्ट्रो के पास भी आना चाहिए? देखिए, इसके पीछे दो तरह से ज्योतिष काम करती है। एक, आपके भाग्य में क्या लिखा है वो तो जिस दिन आप गर्भ में आए और जब गर्भ से बाहर आए, जिस दिन आपकी आंखें खोली आपने, वो एक समय आपका बहुत बड़ा मैटर करता है। आप उस दिन भाग्य लेके पैदा हुए थे, कर्म लेके पैदा नहीं हुए। माँ के गर्भ से बच्चा जब बाहर आता है तो उस समय वो भाग्य लेके पैदा होता है। उस भाग्य के ब्लूप्रिंट के ऊपर, कि भाग्य कैसा लिखा है, उस ब्लूप्रिंट के ऊपर कर्म का पहिया चलता है। तो ज्योतिषी जो होता है वो ये बता देता है कि इस बच्चे के भाग्य में ये लिखा है, ये IAS बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, ये बीमारियों से जूझेगा, या ये पांडु रोग से पीड़ित होगा, या ये धृतराष्ट्र होगा, इसकी आंखें अंधी होंगी, या विदुर बनेगा। तो एक तो ज्योतिष होता है जो पैदा होते ही भाग्य होता है, इसके ऊपर जो कर्म का पहिया चलता है उसको दिखाते रहना चाहिए कि आज मेरा ग्रह कैसा चल रहा है, एक साल कैसा चलेगा, वर्ष फल जिसको बोलते हैं। साल की साल ग्रहों की गति चेंज होती रहती है, छोटे छोटे ग्रहों की, बड़े ग्रहों की ढाई साल में, डेढ़ साल में, एक साल में चेंज होती है। तो अगर आप साल की साल दिखाते रहते हैं, पहले वेदांत साल की साल दिखाते रहना चाहिए,
उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके ऊपर शनि की 7.5 ढैया अंतरदशा राहु को आपकी राशि के ऊपर बुरा ग्रह तो नहीं चल रहा, कोई चोट एक्सीडेंट दुर्घटना कैंसर कोई बीमारी तो नहीं होने वाली है, उन सब चीजों का पता आपको साल के साल पता चलता रहता है। और जो बचपन में भाग्य में लिखा है वो तो हम पहले ही लिख देते हैं कि ये बच्चा जीवन में ये चीज बनेगा। आपने पर इतना कीमती समय हमारे को दिया, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं आपके चैनल के लिए, आप ऊंचाइयों को छुए। धन्यवाद सर।